थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू के बीच मीटिंग खत्म हुई है। दो घंटे चली मीटिंग में सुलह के फॉर्मूले पर बात हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है, जबकि कुछ मुद्दों पर बन गई है। बड़ी खबर यह है कि मीटिंग के बाद एक कमेटी गठित की गई है जो मतभेद के मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी। कमेटी में सीएम चन्नी, सिद्धू, कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 4 अक्टूबर से पहले विवाद को सुलझा लिया जाएगा। तो क्या निकला मुलाकात से? कमेटी निकली है मुलाकात से। इस मुलाकात के बाद अब यह तय किया गया है कि 3 लोगों की एक कमेटी होगी जो विचार विमर्श करके हर मुश्किल में सुलह निकालने का रास्ता सुझाएगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मौसमी सिंह हमारे सहयोगी से, खबर पर लगातार बनी हुई है। मौसमी सिंह, थम्स अप किया था आपके सामने चरणजीत सिंह चन्नी ने, लेकिन मुलाकात हुई, क्या बात हुई? कमेटी निकली, यानी अब कमेटी बैठेगी, अब यह तय होगा कि हर मुश्किल पर एक सुलह का रास्ता निकाला जाए। मामला क्या सुलझता दिख रहा है या और उलझ गया है? अंजना, महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से एक फेस सेवर आप कह लीजिए इसको, क्योंकि डैमेज इतना हो गया था, किसी ब्लैक और वाइट सोल्यूशन पे आते तो उससे या तो सीएम की किरकिरी होती, या फिर पार्टी आलाकमान की किरकिरी होती, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की किरकिरी होती। और क्योंकि अहम की लड़ाई है, ईगो क्लैश है, तो बात बनती नहीं, इसीलिए ये समाधान निकाला गया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया ये कह लीजिए, या तो वाकई में एक बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए। 4 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक है, ये टाइमलाइन है इस कमेटी की, एक महासचिव इसमें होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है कि जिन अफसरों को लेके विवाद चल रहा है, अब नए नाम सुझाए जाएंगे, जिनको लेके विवाद चल रहा है उनकी रिपोर्ट कार्ड मंगाई जाएगी और ये कमेटी इस पर पूरा विचार विमर्श करेगी। हरीश रावत भी शायद कल चंडीगढ़ आएंगे, तो अगले 3-4 दिन तय करेंगे कि पंजाब कांग्रेस की राजनीति की दिशो दशा क्या होगी। धन्यवाद आपका मौसमी सिंह, बनाए रखिए नजर पंजाब की गतिविधियों पर। नजर बनाने के लिए मौसमी सिंह चंडीगढ़ पहुंची हुई हैं।